डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन में किसी बॉडी के होते हैं दो एक्सिलरेशन। नंबर वन लीनियर एक्सिलरेशन, नंबर टू इज एंगुलर एक्सिलरेशन। हम बात करेंगे आज लीनियर एक्सिलरेशन की। तो लीनियर एक्सिलरेशन के दो होते हैं कंपोनेंट। मानिए एक बॉडी इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सम सर्कल, तो इसका एक एक्सिलरेशन होगा सेंटर की तरफ को, जिसको कहा जाएगा सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन और रेडियल एक्सिलरेशन। इसको हम एसी सिंबल से डिनोट करेंगे। और मानिए ये बॉडी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। इन दैट केस इसमें एक ही एक्सिलरेशन होगा जो डायरेक्शन को चेंज करेगा बार बार, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन। लेकिन यदि बॉडी की स्पीड में चेंज हो रहा है तो दो बातें, या तो स्पीड इंक्रीज हो रही है या स्पीड डिक्रीज हो रही है। सो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन इज देयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्पीड। फिर सुनिए, डायरेक्शन में चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है रेडियल एक्सिलरेशन, और स्पीड में चेंज के लिए जो एक्सिलरेशन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। यदि स्पीड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली फोर्स की तरफ ही हम एक्सिलरेशन को लेंगे, तो एक्सिलरेशन विल बी टेंजेंशियली अलोंग दिस लाइन। और यदि बॉडी की स्पीड कम हो रही हो तो एक्सिलरेशन यहां की बजाय इस लाइन के अलोंग होगा, क्योंकि ये फोर्स रिटार्डिंग फोर्स होगा एंड एक्सिलरेशन विल बी ऑपोजिट टू द मोशन। इज इट राइट? तो लीनियर एक्सिलरेशन के दो कंपोनेंट, सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट द टेंजेंशियल एक्सिलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्पीड, लीनियर स्पीड, राइट? एंड इफ देर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द बॉडी, देन द बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन दैट केस ओनली वन एक्सिलरेशन इज देयर, एंड दैट इज सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन। और यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ हम इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करें, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन। So this is the linear acceleration. So clearly linear acceleration has two component, AC and AT, and the value of A can be given as AC square plus AT square and square root, as both of these components, these are perpendicular to each other.